आईडी तो मेरे पास भी है, पर जैसे ही इस पेन टैब से पढ़ाने के लिए अगर वो चाहिए, जैसे एक तो वो चाहिए क्या बोलते हैं कोई सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए उसमें स्ट्रीम की डालनी पड़ती है लाइव जाने के लिए। वो स्ट्रीम की वहां से तभी मिलेगी जब आपके पास ऑथेंटिकेशन हो उस यूट्यूब की, यूट्यूब संस्कारम नाम से। अब उसकी ऑथेंटिकेशन वो मांगता है तो फिर वो एक कोड भेजेगा उस पर, स्कूल के जो भी जिस भी फोन से कनेक्ट है वो आईडी, उस नंबर पे कोड आएगा, वो कोड डालना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब से। चलो देखो ये क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स इंटू में एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 20। इसके लिए हम क्या करें, इसको ऐसे लिख दिया मैंने एक्स माइनस टू, सॉरी एक्स माइनस वन फिर माइनस टू डिवाइड में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर फिर डी एक्स। ई की पावर एक्स, अब इसको अलग अलग करें तो इधर तो बना वन अपॉन एक्स माइनस, फिर प्लस में माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये वही बन गया देखो, e की पावर एक्स ये तो हो गया एफ कौन, ये वाला तो हो गया एफ, और ये वाला हो गया एफ डैश। एक एफ और एक एफ डैश है, तो आंसर तो हमें पता क्या आएगा, एफ आएगा। और अगर पूरा सोल्व करके बताएं तो फिर कैसे किया जाएगा पूरा सोल्व, चलो इसको मैं पूरा सोल्व करके ही बता देता हूँ। तो इंटीग्रेशन बनाने पड़ेंगे, e की पावर एक्स टू में वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, फिर माइनस में ई की पावर एक्स इंटू में टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। इस पूरे टर्म को एज इट इज लिखेंगे हम। देखो फर्स्ट फंक्शन लिख दिया वन अपॉन एक्स माइनस वन, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, फिर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स और इस होल का पूरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस में ई की पावर एक्स इंटू में टू अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ये जो है लास्ट वाला टर्म, इसको एज इट इज रखा है मैंने। देखो ये जो था ना इतना इतना, ये सेम टू सेम यही है वापस एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं किया। चेंज हमने केवल इस पहले इंटीग्रल को सोल्व किया। देखो वन अपॉन एक्स माइनस वन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही हो, फिर माइनस में इसका इंटीग्रेशन माइनस का वन सॉरी माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स फिर डी एक्स, फिर माइनस में ई की पावर एक्स इंटू में टू अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये वाली टर्म इस वाली टर्म को कैंसिल कर देगी, क्योंकि ये माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे। अब तो क्या बचेगा, ई की पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस में सी। ये नोट कर लो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट बोलो, किसी को कोई भी दिक्कत है इसमें। सभी को क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलें। क्लियर कर रहा हूं मैं इसको। अब आते हैं देखो, तो क्वेश्चन नंबर 22 है वो है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स के, तो ये आप खुद करोगे।
खुद कैसे करोगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा फार्मूला किसका, टू टेन इनवर्स एक्स का। इसको टू टेन इनवर्स एक्स लिख लो। देखो ऐसे क्वेश्चन नंबर 22, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर डी एक्स। ठीक है, तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है 2 टेन इनवर्स एक्स डी। अब ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। इससे सोल्व कर दो इसको। देखो टेन इनवर्स एक्स तो ऐसे कैसे 2 डी एक्स, फिर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, फिर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर टेन इनवर्स एक्स 2 का हो गया 2x माइनस इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 का 2x फिर dx। ये बन गया देखो 2x tan इनवर्स x, फिर माइनस। अब इसमें इसको कैसे करें, इसको t में रिज्यूम करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, ये बन जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। कोई डाउट इसमें, इसका अनदर मेथड भी है, सेकेंड मेथड उससे भी कर सकते हो। सेकेंड मेथड क्या है कि लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आई क्या बन गया, आई बनेगा देखो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर डीएक्स की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा फिर इनटू में सेक स्क्वायर थीटा फिर डी, ये हो गया 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये दो फंक्शन हो गया, इसमें भी फर्स्ट सेकंड एज्यूम करोगे तो फर्स्ट फंक्शन तो किसको एज्यूम करें, जो किसी भी एक को आई एल ए एल फिर ए, पहले आया ए फिर आया टी, तो ए का मतलब एलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, तो यानी 2 थीटा तो कौन सा हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आगे आप खुद कर सकते हो। मैंने एक मेथड से बता दिया, दूसरे से आप खुद करना है। इसके बाद फर्स्ट सेकंड एज्यूम करना है लास्ट में, लेकिन आंसर जो आएगा ना इसमें फर्स्ट सेकंड के बाद वो थीटा में आएगा, तो उस थीटा को आपको क्या करना पड़ेगा, वापस एक्स में लाना पड़ेगा। और एक्स में कैसे, यहां से लाओगे ऐसे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, ये थीटा एंगल, ये थीटा है, तो एक बार दोबारा बनाते हैं, बस आप ये थीटा। अब टेन थीटा कितना, एक्स, ये एक्स हो गया, ये वन हो गया, ये रूट ऑफ वन। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे आ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स अपॉन में रूट ऑफ वन प्लस एक्स के। कहीं आ रहा है कोस थीटा, तो cos थीटा की जगह लिख देंगे 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सभी को, बोलिए। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़े। इन शॉर्ट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 तो आप खुद करोगे। देखो ऐसे गिवन है, आई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, फिर ई की पावर एक्स क्यूब, फिर डी एक्स। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे पहले, ठीक है? कैसे? कि लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, थ्री एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये बन गया एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी। तो आई बन गया 1/3, फिर ई की पावर टी, ठीक है? तो 1/3 ई की पावर टी का ई की पावर टी हो गया, प्लस में सी। तो 1/3 ई की पावर टी, टी की जगह वापस ई की पावर क्यूब प्लस में सी। ये का आंसर हो जाएगा किसका? 23। फिर जो नेक्स्ट है वो खुद करना है, वो है e की पावर x secant x into 1 plus 10 x। देखो 24 I इक्वल टू e की पावर x secant x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो secant x into में इसकी। खाना है तो खा लूंगी। secant x प्लस में secant x into tangent x dx। अब ये तो देखो, ये f और ये पूरा का पूरा f डैश, तो बस क्लियर है। तो e की पावर x इंटू सेकेंट x प्लस में c। इतने में किसी को कोई डाउट? नहीं है? तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इसी भी बेसिक भी बेस्ड हो। देखो जैसे क्वेश्चन ये है कि ये इंटीग्रेशन है e की पावर ए एक्स, फिर साइन बी, ये ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, साथ में डीएक्स। देखो साइन बी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डीएक्स, फिर माइनस में फर्स्ट फंक्शन डी बाय डीएक्स ऑफ
साइन बी एक्स इंटू में कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स और इस पूरे का कर दिया हमने इंटीग्रेशन। तो देखो ये बना साइन बी एक्स, ये अलग क्वेश्चन है अपनी बुक में नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा था डायरेक्ट। साइन बी एक्स तो यहां बन गया ई की पावर ए एक्स डिवाइड में ए, फिर माइनस साइन बी एक्स का कोस बी एक्स इंटू में बी इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए फिर डी एक्स, ये क्या बन गया देखो ई की पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स और इस पूरे के अपॉन में आ गया ए, फिर माइनस बी बाय ए इंटू में ई की पावर ए एक्स और फिर इंटू में कोस बी एक्स डी एक्स। अब ये अगेन ये वाला फंक्शन फर्स्ट और ये वाला सेकंड, यानी दोबारा इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं क्योंकि अगेन प्रोडक्ट आ गया ना दो का, तो इसलिए e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इसके अपॉन में ए फिर माइनस बी बाय ए यहां लगा दिया ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस बी एक्स इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर ए एक्स अपॉन में ए फिर माइनस का साइन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव तो ये प्लस का हो गया साइन बी एक्स इंटू में बी ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स अपॉन ए और फिर डी एक्स ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ई की पावर ए एक्स फिर साइन बी एक्स और इस पूरे के अपॉन में बी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो बी अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में कोस बी एक्स पावर ए एक्स, इसको अंदर और मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बी स्केयर अपॉन में ए स्केयर इंटू में साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स। अब आप ध्यान से देखो ये वापस ये वापस आई बन गया इतने, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन में बी फिर माइनस बी अपॉन में ए स्केयर बी अपॉन में ए स्केयर इंटू में कोस बी एक्स ई की पावर ए एक्स